रहमानुरहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लेक्चर 113। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 2 HCF एंड LCM। यूनिट 1 हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में देखें HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, अब ये HCF और LCM क्या होता है? HCF का आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाती हूँ कि व्हाट इज HCF। HCF फर्स्ट लेटर H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड F फैक्टर। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट तो देखेंगे कॉमन जो सेम होते हैं एक जैसे, हाईएस्ट होता है ग्रेटर जो है। अब ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर की डेफिनेशन देखें यहाँ पे, फैक्टर्स द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर दोज दैट डिवाइड एग्जैक्टली इंटू डैट नंबर। इसके फैक्टर्स वो नंबर हैं जो किसी भी नंबर पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 15 एक नंबर है, ठीक है, इसके फैक्टर्स आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अगर आप काउंटिंग नंबर स्टार्ट करें 1 से 15, तो डिफरेंट नंबर्स हैं इनके दरमियान, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉन। तो अब ऐसे नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं 15 पे, वो इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 जो है वो कंप्लीट डिवाइड होता है 15 पे। नेक्स्ट 1 के आफ्टर जो डिजिट होता है वो 2। अब 15 को 2 पे डिवाइड करें, 15 को 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे देखें 2 7s are 14, 1 इज़ रिमेनिंग। मीन्स इसकी कंप्लीट डिवीजन यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये जो है फैक्टर नहीं है 15 के, 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। नेक्स्ट आप 3 को करें, यहाँ 15 को डिवाइड करें 3 पे, देखें 3 जो है वो फैक्टर 15 का है या नहीं। 3 5s are 15, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन हो रही है, सो वी से 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 15 बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट डिवीजन। नेक्स्ट डिजिट होता है 4, आफ्टर 3 नेक्स्ट डिजिट इज़ 4। 15 को आप डिवाइड करें 4 पे, 4 3s are 12, अब देखें यहाँ पे भी रिमेनिंग है। वी सी डेट 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 बिकॉज देर इज़ रिमेनिंग 3। ड्यू टू दिस रिमेनिंग 3, 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। ऐसे नंबर्स जो कि पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो इसके फैक्टर्स होंगे उसी भी नंबर के, बट जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे वो इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब देखिए इसके फैक्टर्स 15 के क्या होंगे? 1, 3, 5 and 15, क्योंकि ये इस पर पूरे पूरे क्या होंगे? डिवाइड होंगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर दोज डैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू डैट नंबर्स, के जो पूरे पूरे नंबर पे डिवाइड होते हैं नंबर्स वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना, एक्सरसाइज की तरफ आएँ। एक्सरसाइज 1 पेज 23, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आपको गिवन है, उसका आपने क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। अब HCF तो आपको पता है कि हाइएस्ट कामन फैक्टर है। हाइएस्ट कामन फैक्टर जो है HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करोगे, इस तरह डिवीजन मेथड जो है आप यूज़ करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, उससे पहले आपको बताऊँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, इट इज़ द नेचुरल नंबर डैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। इसके लाइक जैसे 3 है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा सिवाय 1 के और 3 के। अब ऐसे नंबर जिनके जस्ट 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स डैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट्सेल्फ, जो जस्ट किस पे डिवाइड होते हैं? 1 पे, और इट्सेल्फ खुद पे डिवाइड होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। अब आपने HCF फाइंड करने के लिए क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले मैंने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद पे जस्ट डिवाइड होते हैं और 1 पे। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, एक्सप्रेस द नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स बाय रिपीटेड डिवीजन। इसके नंबर्स को
एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उसका प्रोडक्ट आपने एक्सप्रेस करना है बाय रिपीटेड डिवीजन, डिवीजन करते हुए लाइक 84 एक नंबर है, ठीक है, एग्जांपल है इसके 84 एक नंबर है। अब इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे करनी है स्टूडेंट्स, वन एंड इट्सेल्फ नंबर तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वन ले रहे हो तो नंबर जो है वो रिपीट होगा, सेम वही नंबर रिपीट होगा, इसलिए हम वन पे डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिजिट टू, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो गिवन नंबर है ये टू पे डिवाइड होता है या नहीं कम्प्लीट। टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, टू जो है टू पे ये डिवाइड हो रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर से आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आप लिखोगे टू फोर्टी टू, फोर्टी टू, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर, एंड नेक्स्ट आपने डिवीजन को रिपीट करते जाना है। अब 42 को डिवाइड करें किसी भी नंबर पे जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है टू। अब देखें टू पे डिवाइड हो रहा है ये, जब 42 को आप डिवाइड करते हो टू पे तो ये इक्वल किसके होता है 21। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 42 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल 21। अब नेक्स्ट आपने 21 की जब डिवीजन करनी है किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर से, अब यहाँ भी आप अगर टू राइट करते हो तो टू जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता 21 के, तो यहाँ पे आप क्या करोगे नेक्स्ट डिजिट लोगे डेट इज़ थ्री। अगर तो थ्री पे भी नहीं होता तो नेक्स्ट देखें, बट यहाँ पे थ्री पे डिवाइड होगा ये पूरा, थ्री सेवन से 21। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे जो क्वेश्चन की वैल्यू है सेवन, सेवन यहाँ राइट कर दिया आपने, थ्री सेवन ज़ा 21, नेक्स्ट सेवन वन ज़ा सेवन, ये सेवन जो है ना ही ये एक प्राइम नंबर है ना टू पे होता है ना थ्री फोर फाइव किसी भी नंबर पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसका डिवाइजर, आप क्या पुट करोगे यहाँ पे सेवन, सेवन वन ज़ा सेवन। अब यहाँ पे देखें ये जो नंबर्स हैं ये हैं प्राइम फैक्टर्स, किसी भी नंबर को उसको आप जब एक्सप्रेस करते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपने एक्सप्रेस करना है बाय रिपीटेड डिवीजन। अब आपने डिवीजन किया रिपीटेड और इसका जो प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड हुए हैं उसको आपने एज अ प्रोडक्ट राइट कर दिया, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या हो गया आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसको हम फैक्टराइजेशन भी जस्ट बोल सकते थे, बट यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट हुए हैं जिनको हमने एज अ मल्टीपल राइट किया है ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं। देखिए टू नेक्स्ट डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर पे, दिस इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, थ्री भी प्राइम नंबर है, सेवन भी प्राइम नंबर, सो नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये सब क्या है प्राइम फैक्टर्स, इनको एज अ प्रोडक्ट जब आप राइट करोगे तो आपकी हो जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज की तरफ आए, एक्सरसाइज में देखें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 10, 15, 20, डेट इज़ द सिंपलेस्ट नंबर, बट हम स्टार्ट करें बी पार्ट से 18, 26 and 64, डेट हाउ वी फाइंड एच सी एफ। अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया वहाँ तो जस्ट हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, वहाँ पे एच सी एफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड एच सी एफ, व्हाट इज़ एच सी एफ एंड हाउ टू फाइंड 18, 26 and 64। स्टूडेंट्स इसकी आपने सबसे पहले क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहले आप करें 18 की। अब स्मॉलेस्ट नंबर जो इसका डिवाइजर होगा वो क्या है टू, टू पे डिवाइड करें 9, टू नाइन ज़ा 18, नेक्स्ट 9 का जो स्मॉलेस्ट डिवाइजर होगा वो 3, बिकॉज 9 एग्जैक्टली डज नॉट डिवाइड ऑन 2, सो वी डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9 एंड नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3। फर्स्ट हमने क्या किया 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इसको हमने इस तरह राइट किया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट आपने क्या करना है सेकेंड नंबर जो गिवन है यहाँ पे 26, 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है जो इटसेल्फ डिवाइड होता है और जस्ट वन पे डिवाइड होता है, किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, इसको आप लिखोगे 13 वन ज़ा 13, इसका स्मॉलेस्ट कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ये जस्ट
इटसेल्फ डिवाइड होगा, लिखेंगे 13 वन ज़ा 13। नेक्स्ट नंबर है 64। अब आपने 64 के प्राइम फैक्टर्स जब फाइंड करने हैं तो स्मॉलेस्ट इसका भी आपने डिवाइजर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिवाइजर होगा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 32, एंड नेक्स्ट 2 16, 2 1 ज़ा 2, 1 जो है वो कैरी पुट करें 12, 2 6 ज़ा 12, नेक्स्ट 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये इसके स्मॉलेस्ट जो डिवाइज़र हैं वो सबके 2 पे ही पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 64 के वो एज इट इज़ हम राइट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे आपने 2 का मल्टीपल लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इस तरह आपने लिख दिया ये। और 26 के भी आपने प्राइम फैक्टर्स जो इस तरह राइट कर दिए। जब आप ये इन 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स राइट कर चुके तो स्टूडेंट्स आपने HCF कैसे फाइंड करना है, आपने क्या चीज़ देखनी है इसमें, कॉमन कॉमन क्या चीज़ आ रही है, मीन्स के सेम है जो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा यहाँ पे। इन 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। नेक्स्ट देखें कोई भी डिजिट सेम कर रहा है या नो, कॉमन कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स क्या होगा, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं और उनके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई पार्ट देखें यहाँ पे इस एक्सरसाइज का, ये देखिए 70 175 140। इसकी भी आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है, देखें इसका तो स्मॉलेस्ट 70 का है, 2 स्मॉलेस्ट डिवाइजर, नेक्स्ट जो है 35 का स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो है 5 है, इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपने इन 3 डिफरेंट नंबर्स के कर लेनी है, ठीक है, इस तरह आपने इसके राइट कर दिए प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट आपने कॉमन देखना है यहाँ पे, ये देखें 5 भी कॉमन है, 7। अब इसका हाईएस्ट कॉमन, ये तो थे कॉमन फैक्टर्स 5 एंड 7, इसका HCF होगा हाईएस्ट कॉमन। कॉमन इसमें क्या आएगा, इनके मल्टीपल्स आपने लिखने हैं 5 7 ज़ा 35। क्लास इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस की आपने कंप्लीट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे और उसकी पिक बना के सेंड करनी है।